हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रियास चैनल। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज के दिन माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। तो आज हम माँ कुष्मांडा के बारे में, उनके रूप के बारे में आज हम बात करेंगे। उन्होंने अपनी मंद और हल्की सी हंसी के द्वारा इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, ऐसा माना जाता है। इसी वजह से उनका नाम कुष्मांडा है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उनको अष्टभुजा वाली देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, एक हाथ में कलश जिसमें कि अमृत होता है, चक्र तथा गदा है, और उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला है। यानी कि आप कुष्मांडा देवी की साधना से, जप तप से, मंत्र से, ध्यान से आदि से सभी सिद्धियां एवं निधियां हासिल कर सकते हैं। इस देवी का वाहन सिंह है और उन्हें कद्दू की बलि प्रिय है। संस्कृत में इसे कुष्मांड भी कहते हैं, इसलिए भी देवी का नाम कुष्मांडा है। देवी का निवास स्थान यानी कि वो जहाँ पे वास करती है वो है सूर्यमंडल की भीतर का ओर। सूर्यमंडल के भीतर का जो लोक है, सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इसी देवी में है। इसकी वजह से उनके मुख पर हमेशा एक अलग सा तेज रहता है। ब्रह्मांड में सभी जीव में उनका तेज ही व्याप्त है। सभी प्राणियों में, सभी जीव में उनका तेज ही व्याप्त है। कुष्मांडा देवी की साधना हमें नवरात्रि के चौथे दिन करनी चाहिए। उनकी आराधना से भक्तों के सारे रोग तथा शोक नाश हो जाते हैं। उनकी साधना से आयुष्य में वृद्धि होती है, यश कीर्ति मिलती है, बल मिलता है। देवी हमें सुख समृद्धि देती है और हमारी उन्नति, हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। और इनकी साधना आराधना हमें भक्ति भाव से, पूर्ण श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। उनका मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत मेव च दधाना हस्त पद्मा भ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। मैं फिर से दोहराती हूँ दोस्तों, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत मेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसे कृपया लाइक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देवी के इस रूप के बारे में सबको पता चले, सब भी उनके इस रूप का अच्छे से ध्यान कर पाए, आराधना उनकी भक्ति कर पाए, ताकि जो भी उनके दुख है वो देवी हर ले और सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों, इसी के साथ जय माता दी, धन्यवाद।